मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों के स्क्रीन पे फर्स्ट यूनिट जिसमें आप लोगों को पढ़ना है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो उसमें सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इस टॉपिक पे लेक्चर्स आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस पे। तो सबसे पहला हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों हैं, यह हमारे सब्जेक्ट में क्यों दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमें एक आइडिया प्रदान करता है। जैसे आप किसी पेपर को चूज करते हैं तो वह आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे आपको पता चलता है। उसी तरह से अगर कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसका आउटकम्स कितना आएगा, यानी रिजल्ट कैसा होगा, कितना परसेंट होगा, होगा या भी नहीं होगा, ऐसे आइडिया को लगाने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी करते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझ जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट का भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चांसेस है आप पास करेंगे, क्या चांस है, कितना परसेंट आपका मार्क्स आएगा। तो इन्हीं कारणों के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी करते हैं। जैसे टेंथ में आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया ट्वेल्थ में, इसका मतलब है कि आपको टेंथ में मैथमेटिक्स नहीं बनता था, या किन्हीं को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने टेंथ के बाद बायोलॉजी नहीं लिया। तो ये आपका क्या था, एक आइडिया था। तो इसी तरह से अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या चांसेस है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा, कितना परसेंट होगा, और होगा भी या नहीं होगा, ये सब हम लोग एक आइडिया के तौर पर फाइंड आउट करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। एन ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन है विच कैन प्रोड्यूस, अगर आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वह कुछ ना कुछ आप लोग का एक फिक्स रिजल्ट देगा। सम वेल डिफाइंड, जो पहले से वेल डिफाइंड होगा आउटकम्स, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को दूसरी भाषा में आप लोग यह भी सीख सकते हैं कि जो लोग खाना बनाते हैं उसमें कुछ नया नया ग्रेडियंट्स मिलाने के बाद देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा चेंजिंग हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। और उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा, या तो खाना और अच्छा हो जाएगा या खाना और ख़राब हो जाएगा। तो वैसा ऑपरेशन जिसमें हमें ये नहीं पता हो कि क्या रिजल्ट आएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग करते हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद है आप लोग का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जब आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वही आप लोग का क्या कहता है, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि कोई फिक्स्ड पहले से कोई प्लान नहीं है, हम इस ऑपरेशन को कर रहे हैं, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस।
और इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल एस, और यह जनरली क्या होता है कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। तो दूसरी भाषा में आप हम सैम्पल स्पेस को समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को देते हैं तो उसमें दो कंडीशंस हो सकता है, अगर चाहें तो और कंडीशन भी हो सकता है, तो मैक्सिमम टू कंडीशन है, या तो आप पास करेंगे या फेल करेंगे। तो यहाँ पर दो रिजल्ट आया, एक आप लोग का क्या हो गया पास और दूसरा क्या हो गया फेल। अगर यही दो हमारा रिजल्ट हो तो यही इसका क्या हो जाएगा सिंपल स्पेस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसके हेल्प से हम लोग सीखेंगे सिंपल स्पेस और एक्सपेरिमेंट। तो उम्मीद है कि यह दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम सिंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, कहता है लिस्ट द सिंपल स्पेस, लिस्ट द सिंपल स्पेस इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन, इन टॉसिंग ए फेयर कॉइन। अगर आप किसी एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस करने का मतलब है आप हाथ में एक कॉइन को लीजिए और उछाल दीजिए, तो उसके बाद ये जो उछालना आपका हुआ, यानी जैसे आप लोग क्रिकेट मैच में देखे होंगे एक कॉइन को टॉस किया जाता है, यानी उसे हवा में उछाल दिया जाता है और उसके बाद देखा जाता है क्या आया। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, यानी जब एक कॉइन को एक फेयर कॉइन, फेयर यहाँ का मतलब होगा कि उसमें एक हेड और टेल होना चाहिए, तो टॉस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का दो ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आ सकता। अगर एक कॉइन को हाथ में लेकर आप एक दो दिन तक भी अगर टॉस करते रहते हैं तो आपका यही दोनों में से कोई भी रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसका सिंपल स्पेस। यानी जो भी रिजल्ट हो, चाहे आप कितना बार भी एक्सपेरिमेंट करें, उसमें से ये मैच कर जाना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स का मतलब यही हो गया कि आप लोग का जो होगा यही होगा। अब यही कहता है लिस्ट द सिंपल स्पेस, अगला क्वेश्चन में आप लोग का देखिए कहता है लिस्ट द सिंपल स्पेस, लिस्ट द सिंपल स्पेस इन थ्रोइंग, इन थ्रोइंग ए डाई। तो आप भी बचपन में लीडो खेले होंगे और आपको भी पता होगा कि जब लीडो को, गोटी को हम लोग थ्रो करते हैं एक हो, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। यानी जब आप लीडो के गोटी को अगर आप लोग हवा में उछालते हैं और वह आपके ज़मीन पर आएगा, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू आप लोग का क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप कितना बार भी अगर आप उसको थ्रो करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक रिजल्ट आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी मैक्सिमम आउटकम्स हमारा कितना होगा, तो इसी में से होगा, इसलिए उसका सिंपल स्पेस क्या होगा 6। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये हमारा क्या कहलाता है NS, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1, 2, तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर NS की हम लोग बात करते हैं तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी टोटल आउटकम्स कितना आया तो 6 आ गया। चूंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आप